हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में सीखेंगे क्वेरी से खेत कैसे मापते हैं। अब क्या हो गया है, अधिकांश लोग क्वेरी से ही खेत मापते हैं, जो बहुत ही आसान होता है निकालना। कोई भी खेत हो, उसकी क्षेत्रफल निकालना होता है, जो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्वेरी से खेत कैसे मापते हैं। तो खेत मापने से पहले कुछ जानना पड़ेगा क्वेरी और जरीब। ये पूरी क्या है, जरीब होती है। ये पूरे 100 करी का एक जरीब होता है। 100 करी होगा तो ये जरीब होगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक करी है, फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक करी, इसे कहते हैं एक करी। अब इनकी बीच की लंबाई होती है 7.92 इंच होता है। जो एक करी की लंबाई, अगर कोई पूछ दे एक करी की लंबाई कितना होगा, तो 7.92 इंच एकदम एक्चुअल होता है, लेकिन लोग क्या कर देते हैं, 8 इंच कर देते हैं। तो ऐसे ही एक जरीब में, जो एक जरीब होता है, तो उसमें कितनी करी होती है, 100 करी होती है। एक जरीब में 100 करी होगी, तो होता है पूरे, जो पूरी लंबाई अगर फीट में देखा जाए कि एक जरीब में कितना फीट होता है, एक जरीब होता है 67 फीट। ठीक, मतलब पूरी लंबाई एक जो एक जरीब की होती है, वो 67 फीट की होती है। और इसी को गज में देख लिया जाए तो 22 गज का होता है। जो एक जरीब होता है वो 22 गज का होता है। तो आप समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्वेरी और जरीब क्या है। चलिए अब नापते हैं खेत को। ठीक, चलिए हम एक खेत बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एक खेत बना लिए हैं, तो जिसका माप हम नापे हैं। तो जो ऊपर वाला, जो ऊपर वाला मेर है, जो ऊपर वाला मेर है ना, तो इसकी पूरी लंबाई कितना है, 240 करी है। ठीक, और जो साइड वाला मेरी की लंबाई है, इसका 120 है, इधर वाला का 190 है, इसका 90 है और इसका 190 है। तो मान लीजिए हमें इस जरीब है, जो जरीब है, इससे हम पूरे खेत की लंबाई यहाँ पर माप दिए, कितना, 240, 120, 190 और 190 है, पूरी करी में नाप दिए। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कि को कट्ठा होगा। कट्ठा में हमको चाहिए ना, कट्ठा ही में देहात में नापते हैं कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, अगर इसको नापना है तो जो सामने सामने वाला जो मेर होता है, ये मेर है और इस मेर के सामने है ना मेरवा है, तो इन दोनों मेरवा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 240 करी ये हुआ है और ये कितना हुआ है, 240 करी ये हुआ है। ठीक, तो नहीं, 190 ये हुआ है और 240 ये हुआ है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो 9 4 13 हो जाएगा और ये हो जाएगी 10। तो पूरा मिला कितना हो गया, 430 करी हो गया। अभी 430 में हम 2 से भाग दे देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 215। मतलब जो एक हिस्सा, जो इसकी लंबाई मतलब है, 215 करी हो गया। अब हमारा देखिए क्या है, इधर है 90 करी और इधर है 120। तो सेम चीज़ इसको जोड़े हैं ना, तीन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो 90 को रिया है और एक को रिया कितना है, 120 है ना है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए, और इन दोनों को जोड़ दिए ना, तो हमारा कितना होगा, 210 करी हो गया। 90 और 120 210 ना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दे देंगे 210 में, तो 100 कितना, 5 आ जाएगा ना, 105 ना आएगा। अब देखिए, जो लंबाई है कितना है, 215 करी। ठीक, और चौड़ाई कितना है, 105 करी। तो अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, भाई 205 है, 215 है और 105 है ना, इसमें हम देखिए। तो क्षेत्रफल निकालने की क्या होती है, किसी का भी अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और गुणे चौड़ाई की आवश्यकता होती है ना। ठीक, तो हमारा लंबाई क्या है, कितना है, 215 और चौड़ाई कितना है, 105। अब इसमें हम गुणा करा देंगे, गुणा करें तो 22,575 आ गया ना, ये तो हो गया पूरा करी, स्क्वायर करी, मतलब वर्ग करी, स्क्वायर करी मतलब वर्ग करी, कितना निकल गया इसका क्षेत्रफल। तो मान लीजिए अब इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 22,000, यहाँ पर लिख दीजिए 22,575। ये तो करी में निकला है, अब हमको कट्ठा में निकालना है, किस में, करी में निकला है और हमको कट्ठा में निकालना है। तो अब कट्ठा में निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये घबराइए मत, एकदम आसान होता है। जितना आता है, जितना अगर स्क्वायर फीट है, इसको सॉरी स्क्वायर करी है, तो हमारे इतना स्क्वायर करी है ना। ठीक, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, तो देखिए, एक कट्ठा जो जमीन होता है, यहाँ पर लिख रहा है, जो एक कट्ठा जमीन होता है उसमें होता है हमारा 4,000 स्क्वायर करी, वर्ग स्क्वायर मतलब वर्ग करी होला। ठीक, तो हो जाएगा 1,4,000 स्क्वायर करी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पूरे 22,500
75 स्क्वायर करिए ना, तो इसमें 400 से 4000 से भाग दे देंगे। तो जब 4000 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 5.6433। ये 3 4 7 8 का कोई मतलब ना होगा। ठीक, अब देखिए, अब इतना हमारा कट्ठा में निकल गया जमीन, मतलब अब 22560 है ना, तो इसमें एक कट्ठा में 4000 करी। ठीक, तो इतने करी में हम 4000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.64। तो इसका मतलब ये हुआ 5 है और ये 6 है, तो मतलब 5.5 कट्ठा है, मतलब 5.5 कट्ठा हमारा जमीन है, थोड़ा सा अधिका होगा। तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, जरीब से हम नाप लेते हैं कट्ठा में जमीन। अब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि डिसमिल हो तो एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, उसके बाद मान लीजिए एक जरीब है तो उसको हम कैसे स्क्वायर फीट में बदलें, चाहे मीटर में कैसे बदलें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा।